निगम प्रशासन भिलाई को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि शीतला कॉम्प्लेक्स के पीछे रिहायशी इलाके में घर के पास अवैध कब्जा कर एक व्यक्ति द्वारा मांस विक्रय का कार्य किया जा रहा है, जिसकी पुष्टि करने के पश्चात निगम की टीम मौके पर पहुंची और अवैध कब्जे को ध्वस्त करते हुए व्यक्ति को चेतावनी दी कि भविष्य में ये गलती दोहराई ना जाए। नंदिनी रोड शीतला कॉम्प्लेक्स परिसर के पीछे स्थित इमामबाड़ा कसाई मोहल्ले में एक व्यक्ति द्वारा निगम द्वारा बनाई गई नालियों को ढककर अवैध कब्जा किया गया था और इसी अवैध कब्जे पर खुले में अवैध रूप से मांस विक्रय का व्यापार किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर मोहल्लेवासी लगातार निगम भिलाई को शिकायत कर रहे थे। निगम भिलाई की टीम द्वारा इस शिकायत की पुष्टि करने के पश्चात सोमवार को निगम के तोड़फोड़ दस्ते द्वारा नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में इस अवैध कब्जे को ढहा दिया गया और अवैध मांस विक्रय का व्यापार कर रहे व्यक्ति पर कार्रवाई भी की गई। साफ रूप से इस व्यापारी को चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भिलाई का तोड़फोड़ दस्ता जब अपने कार्रवाई को अंजाम दे रहा था, तब यह व्यापार करने वाले परिवार द्वारा भी खूब विरोध किया गया, परंतु निगम का दस्ता अपनी कार्रवाई पर अडिग रहा और जेसीबी की मदद से इस अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। संपूर्ण कार्रवाई की जानकारी नोडल अधिकारी प्रीति सिंह ने न्यूज़ टीम को दी है। ये जो अवैध रूप से जितने भी मांस के मटन के ठेले लगाए जा रहे थे, पब्लिक से और वहाँ की रिहायशी इलाकों से आम नागरिकों से बार बार ये शिकायतें मिल रही थी कि इनके द्वारा रोड पे अवैध रूप से बिना किसी परमिशन के मटन काटा जाता है, जिससे वहाँ के रहने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफें होती हैं, बदबू होती है और नालियों में गंदगी जा रहा था। और जिस व्यक्ति का आज अवैध रूप से कब्जा हटाया गया था, उसने निगम की ही नाली को पाट के उसके ऊपर में कब्जा कर लिया था और एक छोटी सी गुमटी बना के वहाँ पर वो बकरियों का पालन भी कर रहा था और वहीं पर सब पब्लिक के सामने में आपका मटन वगैरह कटाई का काम करता था। उसी को हटाने के लिए हमने आज ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। हाँ, थोड़ी सी विवाद हुई थी, उनका कहना था कि हमें नोटिस नहीं दिया गया है और बिना प्रायर नोटिस के कार्रवाई की गई है, तो जबकि हमने उनको नोटिस दिया गया था और संडे की मॉर्निंग पे निगम के एचओ और जोन 3 की टीम जाके उनको इत्तला भी किया गया था कि आपके द्वारा जो भी ये सामान रखा गया है और जो भी अतिक्रमण किया गया है, उसको आप स्वयं अपने व्यय से हटा लीजिए, अन्यथा निगम द्वारा हटाए जाने की स्थिति में आपका जो भी नुकसान होगा इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। पर इस सूचना को उन्होंने हल्के में लिया हुआ था, माना नहीं, और उसका परिणाम आज इस कार्रवाई के तौर पर सामने आया है। नगर पालिका निगम भिलाई इन दिनों अवैध कब्जाधारी एवं अवैध रूप से अवैध व्यापार करने वाले लोगों पर सख्त बना हुआ है और प्रतिदिन इन पर वैधानिक कार्रवाइयां भी कर रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।